हल्द्वानी के बनभूलपुरा और गफ्फूर बस्ती के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, साथ ही रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। तो कहा जा सकता है कि सर्द मौसम में बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है और लोगों को सरकारी हथौड़े से सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हल्द्वानी के 4000 परिवारों के लिए राहत भरा है। अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ा गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने आदेश को पढ़कर बताया कि बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में पक्के निर्माण हैं, स्कूल और कॉलेज हैं, इसलिए इससे प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष सुना नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया है, हम उसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। चाहता हूं, ये जो जगह है रेलवे की जगह नहीं है, ये ना रेलवे पे इसका कोई सबूत है ना रेलवे पे कुछ है। और इस जगह पर 2 इंटर कॉलेज हैं, 3 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 मंदिर हैं और जो भी सुविधा होती जन सुविधा सारी है यहाँ नगर निगम टैक्स लेता है, नगर निगम ने लिख के दे रखा है। मैं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार और रेलवे की तरफ से सुनवाई में कौन आया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने रेलवे का पक्ष रखा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग वहाँ कई साल से रह रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए क्या कोई योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सिर्फ 7 दिनों के भीतर इतने लोग कैसे घर खाली कर सकते हैं। अब बारी उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखने की आई। सरकार से पूछा गया कि जो पिछले कई दशक से यहाँ रह रहे हैं उनके पुनर्वास की कोई योजना तो होनी चाहिए। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ हल्द्वानी से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लोगों को डर था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया तो वो कहां जाएंगे और इसीलिए लोग अब सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये हमारा जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से पूरा भरोसा आएंगे, इंसाफ होगा। यहाँ सच्चाई की जीत हुई है, सत्य में जीते पे हमारा विश्वास था और उसमें हमें कामयाबी मिली। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज हमारे हाथ में फैसला आया, रिश्ते मिला। ये दुआ खुदा की इबादत में है। लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनके घर उजड़ने से बच गए। जरा सोचिए क्या होता अगर इन लोगों को यहां से उजाड़ दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनभूलपुरा और गफूर बस्ती के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हल्द्वानी के लोगों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये टिप्पणी की है कि 7 दिन में इतना कठोर फैसला देना व्यवहारिक नहीं है, हाई कोर्ट पर टिप्पणी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 7 फरवरी तक वहाँ कोई भी किसी तरह की गतिविधि या कार्रवाई नहीं होगी और राज्य सरकार को भी पार्टी बना दिया है। ये एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। मैं उसी बनफूलपुरा की जमीन पर हूँ जिसको हाई कोर्ट ने रेलवे बोर्ड की घोषित कर दिया था और अवैध कब्जे हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। बनभूलपुरा और गफूर बस्ती के लोगों के लिए तो मानो आज ईद हो, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी धार्मिक कार्यक्रम के जश्न से कम नहीं है। पिछली बार हमारे लोग ही कमी रही कि हमारे लोग ढंग से पैरवी नहीं कर पाए, अपने ही मामले की अपने कोर्ट से मामला पैरवी नहीं कर पाए। अब यह है कि आगे को हमें अपने लोगों के लिए पैगाम देना चाहते हैं कि आगे को मजबूती के साथ में पैरवी करें और अपने हक में फैसला लें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कागजों को सही तरीके से देखा और उस पर निर्णय लिया, हमें उस पर राहत भरी खबर दी। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ गया लोगों की बेचैनी बढ़ी रही, माहौल गमगीन था। लोग सोच रहे थे कि सर्दी के मौसम में वे अपने बच्चों को लेकर आखिर कहां जाएं। हम
तो अल्लाह के मानने वाले हैं, क्योंकि हमारे दिल में यकीदा है, हमारी माँ बहनों ने दुआएं की, घर में पढ़ाइयाँ करी, अल्लाह पे भरोसा है हमें, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का तह दिल से धन्यवाद। सबसे पहले एबीपी गंगा ने लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी, इसलिए लोग एबीपी गंगा का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले तो हम आपके चैनल का, एबीपी गंगा का बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आपने सही न्यूज़ को अच्छी तरीके से आपने दिखाया, अच्छी कवरेज की। मगर ये विवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लोगों को अभी जंग जारी रखनी होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक तो लगी है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में यहाँ क्या होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने जिस तरीके से 7 दिन के अंदर उन तमाम सारे लोगों को विस्थापित करके और जो अवैध अतिक्रमण है उसको ढहाने का आदेश दिया था, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और उत्तराखंड सरकार से और रेलवे से साफ तौर पे पूछा है कि कैसे इस जनसंख्या को वहां से विस्थापित करेंगे। इसके साथ साथ मामले की अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। वही अब मामले में राजनीति भी काफी तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि उत्तराखंड सरकार मजबूती से पक्ष नहीं रख रही है और ये वहां के लोगों के साथ अन्याय है। वहीं उत्तराखंड सरकार लगातार कह रही है कि उन नागरिकों के साथ है, कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका वो अक्षरशः पालन कराएगी। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जो भी फैसला होगा सरकार उसी हिसाब से काम करेगी। वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था, और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। और उधर पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेसी नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने इस मामले को लेकर अपने आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास भी रखा था। एक अशांति का केंद्र बन जाता हमारे राज्य का हृदय स्थल हल्द्वानी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने हमको इस स्थिति से उबार दिया, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका सुप्रीम निर्णय हम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आया है। वहाँ पर मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, ऐसी स्थिति राज्य की सरकार की लापरवाही की वजह से पैदा हुई है। राज्य की सरकार से हमारी मांग है और केंद्र की सरकार से भी हमारी मांग है कि इन तमाम लोगों की जो बस्तियां हैं वो बस्तियां ना उजड़े, इसके लिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ऐसा प्रयास करे जिससे कि इनको न्यायालय से परमानेंट राहत मिल पाए। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के मामले पर आम लोगों के साथ लड़ाई लड़ रहे शोएब अहमद से बातचीत की है हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। शोएब भाई, आप चूंकि यहीं रहते हैं, लोगों की नुमाइंदगी भी करते हैं, कानूनी तौर पर, तकनीकी तौर पर आपने इस पूरे मामले की बाकी लोगों की तरह अगुवाई की है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, 1 महीने की राहत है, अब आगे क्या? देखिए, न्यायालय का सम्मान करते हैं और हमने तो उच्च न्यायालय के फैसले का भी सम्मान किया और लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करते हुए, और जो भी फैसला उच्च न्यायालय का है हमें तो भरोसा था कि उच्च न्यायालय से भी एक सही फैसला इस गरीब जनता के हक में आना था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ प्रदेश सरकार ने अच्छी पैरवी नहीं की, और वो अच्छी सही पैरवी होती थी उच्च न्यायालय भी ऐसा फैसला नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे अपने राहत के लिए और सुप्रीम कोर्ट के वो पूरा भरोसा था यहाँ की गरीब जनता को, जो रातों रात अगर ये बात करते हैं 50,000 आदमियों को घर तोड़ने की बात करते थे, तो ये कहीं ना कहीं मानवता के अधिकार पर के हिसाब से भी इनको सोचना चाहिए था कि 50,000 आदमी कहाँ जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और जिसमें मैं समझता हूँ शायद स्टेट गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया है इसमें, तो इसमें कहीं ना कहीं मध्यस्थता से इसका कहीं ना समाधान निकलना चाहिए, और उसमें पुनर्वास की भी बात करी है, तो जब मध्यस्थता से बैठेंगे तो जिसमें डिमार्केशन की जो बात की थी रेलवे ने कि लैंड हमारी है और हाईकोर्ट से भी आदेश ये था कि ये लैंड रेलवे की है, तो मैं समझता हूँ अगर साफ नियत से बैठकर मध्यस्थता से कोई रास्ता निकाला जाएगा जिसमें प्रदेश सरकार हो, रेलवे हो, या अगर 3-3 पीढ़ी लोगों की यहाँ रह रही है, 3री पीढ़ी है, किसी की 4थी पीढ़ी है, 1 शताब्दी बीत जाती है, तो अचानक ऐसा फैसला हाईकोर्ट से आ जाता है, 50,000 लोग बेघर हो जाएंगे, इतनी बड़ी मुश्किल थी, अभी आगे मजबूत पैरवी की ज़रूरत है मुझे लगता है।
नहीं, पैरवी हम कानूनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ा जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये अगर प्रदेश सरकार इसमें पैरवी सही करती तो ये जो बात कर रहे थे 50,000 लोगों उजाड़ने की, वो नहीं हो पाता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है इनके हक में और जो 7 फरवरी तारीख लगाई है, और मैं समझता हूँ इसमें पैरवी करी जाएगी। सब लोग जितने यहाँ के सम्मानित लोग हैं, जो यहाँ के नेतागण हैं, यहाँ के आलिम लोग हैं, तो सब लोग बैठेंगे, राय मशवरा करेंगे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।